दिल्ली के पूर्व और मेरठ के दक्षिण पश्चिम में बसा है गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। गाजियाबाद एक वेल प्लान्ड मेट्रो सिटी है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार गाजियाबाद भारत में रहने योग्य सर्वोत्तम नगरों में 3 स्थान पर है। बगल में नोएडा व गुड़गांव नजदीक होने के कारण इसे टेक सिटी भी कहा जा सकता है। शहर 240 वर्ग किमी क्षेत्र में बसा है। इसकी आबादी 50 लाख पार हो चुकी है। शहर की अधिकतर आबादी इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहती है। जॉब में कार्यरत लोग यहां आकर बस गए। कैंपस में पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था है। सभी फ्लैट सीवर लाइन से जुड़े हैं। हर फ्लैट में गैस पाइप लाइन व 24x7 बिजली की सुविधा मौजूद है। हर कैंपस में कार पार्किंग की सुविधा है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। कैंपस स्विमिंग पूल से लैस है। शहर हरा भरा पेड़ों से ढका गया है। खरीद फरोख्त के लिए मॉल की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर खरीद फरोख्त ऑनलाइन की जाती है। जहां तक मैंने देखा है, गाजियाबाद शहर सड़कों व ईंटों से ढक गया है। नतीजतन बरसात में पानी की निकासी की समस्या है। पानी सड़कों पर भर जाता है। भविष्य में अंडर ग्राउंड वाटर की कमी हो सकती, जहां आगे केप टाउन साउथ अफ्रीका जैसी समस्या बन सकती है, जो बहुत भयानक स्थिति पैदा कर सकती है। बरसात में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। बरसात में जल भराव व जाड़ों में धुंध व कोहरा एक बहुत ही खतरनाक समस्या है, जिससे निपटने की कोशिश नहीं की जा रही। यहाँ जिसकी आमदनी लगभग 1.5 लाख प्रति माह है, वही टिक सकता। यहाँ आकर भविष्य के भारत की कल्पना की जा सकती है। अगर ऊपर के छोटे शहरों से तुलना की जाए तो सोशल पॉइंट से काफी अंतर है, जिसका जिक्र हम अगले अंक में करेंगे।